विश्व हिंदू महासंघ प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक प्रदेश अध्यक्ष भिखारी प्रजापति की अध्यक्षता में दिल्ली रोड स्थित चंदन वन रिजॉर्ट में आयोजित हुई। बैठक का संचालन प्रदेश महामंत्री ओम प्रकाश यादव ने किया। बैठक में 12 अप्रैल को विश्व हिंदू महासंघ अपना स्थापना दिवस लखनऊ में मनाएगा। इसमें एक विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इन्हीं कार्यक्रमों को लेकर इस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा हुई है। कार्यक्रम हमारी प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में विश्व हिंदू महासंघ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष जी महाराज जी आए हुए हैं और प्रदेश अध्यक्ष जी जो है चंद्र भिखारी प्रजापति जी आए हुए हैं। उन्होंने बताया है कि हम एक जो है यात्रा निकाल रहे हैं लखनऊ से और अयोध्या तक के लिए 7 दिन यात्रा चलेगी, जिसमें अपने जितने भी हिंदुत्व से जुड़े हुए मुद्दे हैं उस पर हर जगह बैठक की जाएगी और विचार किया जाएगा। सर इसमें मतलब क्या क्या निर्णय लिए गए हैं? इसमें निर्णय अपने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, गौ रक्षा के लिए जुड़े हुए और नारी का सम्मान और जनसंख्या से। क्या कहना चाहेंगे जो लखनऊ जाना चाहते हैं हम कार्यकर्ताओं से? यही कहना चाहेंगे सर, जिस हिसाब से लोग बार जुड़ रहे हैं तो हमें लगता है कि आने वाले समय में हम इसको हिंदू राष्ट्र के तौर पर देखेंगे। जय श्री राम। बैठक के विषय में विस्तार से जानकारी देते हुए विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष भिखारी प्रजापति ने बताया कि 12 अप्रैल को विश्व हिंदू महासंघ अपना स्थापना दिवस लखनऊ में मनाएगा। उसमें एक विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, नाथ पंथ, रविदास पंथ, कबीर पंथ, ओम में आस्था रखने वाले उन सभी सनातनी धर्मों और पंथों सबको वो विश्व हिंदू महासंघ के बैनर तले एकजुट करेंगे और इस माध्यम से वो ये संदेश देंगे कि आज के युग में एक युवा सन्यासी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ओम में आस्था रखने वाले सभी धर्म पंथ मजहब के लोग एकजुट हो, जिससे भारत हिंदू राष्ट्र बने। गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के आशीर्वाद से 12 अप्रैल को विश्व हिंदू महासंघ अपना स्थापना दिवस लखनऊ में मनाएगा। उसमें हम एक विशाल शोभा यात्रा निकालेंगे, जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, नाथ पंथ, रैदास पंथ, कबीर पंथ, ओम में आस्था रखने वाले उन सभी सनातनी धर्मों और पंथों के सबको हम विश्व हिंदू महासंघ के बैनर तले एकजुट करेंगे और इस माध्यम से हम यह संदेश देंगे कि आज के युग में एक युवा सन्यासी योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में ओम में आस्था रखने वाले सभी धर्म पंथ मजहब के लोग एकजुट हों, जिससे भारत हिंदू राष्ट्र बने। एक दूसरा, हम ओरछा से राम राजा सरकार ओरछा से एक राम राज्य संकल्प यात्रा संकल्प सभा का एक वहां पर आयोजन करेंगे और इसमें देश के बहुत प्रतिष्ठित लोगों के द्वारा हम अपनी इस यात्रा का संचालन करेंगे। हम यह दिखाना चाहेंगे कि योगी और मोदी सरकार जो है हमारे जो धार्मिक स्थल हैं, हमारे जो रामकृष्ण भूमि, राम जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ भूमि सहित जो हमारे मठ मंदिर, उनकी रक्षा के लिए, उनके विकास के लिए, उनके संवर्धन के लिए कौन कौन से कार्य किए हैं, हम उस झांकी और 7 दिवसीय शोभा यात्रा के माध्यम से हम संपूर्ण भारतवर्ष में यह बताने का कार्य करेंगे। चूंकि ये दोनों हमारे स्थापना दिवस और ये शोभा यात्रा, ये दोनों बड़े कार्यक्रम हैं, इसलिए आज मैंने प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है और मैं अपने साथियों से राय परामर्श कर रहा हूँ और राय परामर्श करने के बाद आज मैं इसे अंतिम रूप दूंगा। साथ ही इस मौके पर राकेश शर्मा, सुनील चौहान, ओम प्रकाश यादव, विष्णुकांत चौबे, राजेश रस्तोगी साथ ही बड़ी संख्या में विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ता मौजूद रहे।